यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्री कम्युनिटीज की। जानते हैं रूपा जी से कि आज हफ्ते के पहले कारोबारी दिन एग्री कम्युनिटीज का वायदा बाजार यानी कृषि फसल का वायदा बाजार कैसा देखने को मिल सकता है। रूपा जी सबसे पहले कैसे की बात करना चाहेंगे, देख रहे हैं कि यहाँ पे कैसे सीर के दिसंबर वायदा 6360 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। रूपा जी कहाँ हमने कैसे सीर को ऊपर में 6550-6560 तक जाते देखा था, फिर 6400 के लेवल्स पर स्टक हो गया था। अब देख रहे हैं कि उससे भी नीचे कीमतें गिरती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, कीमतें यहाँ से और ज्यादा गिरेंगी या फिर यहाँ से निचले स्तर से खरीदारी बनेगी? देखिए फिलहाल यहाँ से कीमतों के अंदर प्रेशर जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो तेजी की एक्सपेक्टेशन थी, एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो काफी अब लुढ़कते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसलिए बाजारों में वापस से सेल ऑफ हावी होते हुए नजर आ रहा है। और दूसरा दिसंबर वायदा एक्सपायरी के बेहद करीब है, इस वजह से भी उठा पटक है। लेकिन जनवरी वायदा अभी भी 6400 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ से जो लेवल बनता हुआ दिखाई दे रहा है, नीचे में 6200 बन चुका है, 6200 के आसपास सपोर्ट आ सकता है मार्केट के अंदर, और ऊपर में 6500 का स्तर है। तो फिलहाल यही रेंज है, इसके अंदर अभी डिप जो है अभी आ सकती है, और नीचे में 6200 जनवरी में एक बार मार्केट लुढ़क सकता है, और ऊपर में 6500 के ऊपर निकलता है तो वापस से अपसाइड मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दे सकता है जी। ये से रुपए जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो देख रहे हैं 2800 के बाद एक बार फिर से 2700 के घरों में दिसंबर वायदा, लेकिन जनवरी वायदे की ओर नजर डालें तो वह 2800 के करीब है। आपको क्या लगता है, क्या बिनौला खल में अब 2800 के ऊपर के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जिस हिसाब से देख रहे हैं कि साल अंत होने को है? देखिए बिल्कुल बिनौला कल पॉजिटिव है और अब यहाँ से तेजी की तरफ जा सकता है। एक्सपायरी की वजह से आपको उठापटक देखने को मिल सकती है, सेल ऑफ आ सकता है, लेकिन वही ट्रेंड पॉजिटिव है, हर निचले स्तर पर बाइंग की ही रिकमेंडेशन रहेगी। और मेरे हिसाब से जनवरी वायदा हम 3000 के आसपास जाते हुए दिखाई देख सकते हैं जी। तो यानी कि जनवरी वायदा 3000 के आसपास जाता नजर आ सकता है, बाइंग की रिकमेंडेशन रहेगी, बाइंग की यानी खरीदारी की सलाह रहेगी रूपा जी की बिनौला खल में। रूपा जी बात करें अगर धनिया की, तो देख रहे हैं दिसंबर वायदा 8700 के बाद 8600 पर सस्टेन हो गया। आपको क्या लगता है धनिया में अब कैसा रुझान रहेगा? देखिए धनिया में भी रुझान तो पॉजिटिव ही है, अभी वापसी जो है अपसाइड मोमेंटम तेजी का ही है, और मुझे लगता है कि यहाँ से एक बार बाजार जो है 8800 से 9000 तक ऊपर जा सकता है, और नीचे में अगर लुढ़कता है तो 8500 तक का देखने को मिल सकता है जी। तो यानी कि धनिया की कीमतों में भी आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है, धनिया में भी जो फंडामेंटल्स भी बनते नजर आ रहे हैं वो भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि धनिया की जो मंडियों में अभी शॉर्टेज देखने को मिल रही है, कोई ज़्यादा खास आवकें देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा, इसकी बुआई भी तक थोड़ी कम हुई है, और तीसरा, इसका जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी पहले से कम ही देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल रुझान धनिया में रूपा जी की तरफ से अभी तेजी का ही रहेगा। इसे रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे का दिसंबर वायदा देख रहे 15935 पर है। रूपा जी हमने हाल ही में एक्सपोर्ट डिमांड को गिरते हुए देखा है, आपको क्या लगता है इसका इम्पैक्ट जीरे की कीमतों पर कितना देखने को मिल पाएगा? देखिए जीरे में अभी अखिलेश तेजी नहीं है, जीरा जो है जब तक 16,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक लंबी तेजी में नहीं है। इनफैक्ट 17,000 के ऊपर का लेवल है, वहां तक हो सकता है कि अगर यहां से बाइंग आए तो वहां तक मैक्सिमम अपसाइड पकड़ सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। अभी पीछे थोड़ी खबरें निकल कर आई थी कि एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो सकते हैं, इस वजह से बाजार नीचे से उठा, लेकिन काफी लंबे अरसे से हम इसको एक ही रेंज में देख रहे हैं, 15,000 से 16,000 के बीच में। तो फिलहाल जीरे के अंदर कोई बहुत ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं है जी। ये से रूपा जी बात करें अगर हल्दी की, तो दिसंबर वायदा देख रहे हैं 7700 के घरों में ट्रेड करता नजर आ रहा है, और अप्रैल 2022 का वायदा 8700 के घरों पर और 8970 का हाई लगा चुका है। रूपा जी खबरें निकल के सामने आई है कि हल्दी की जो क्रॉप डैमेज हमने हाल ही में होते हुए देखी है भारी बारिश की वजह से, जो दक्षिण भारत में बारिश हुई थी उसकी वजह से हल्दी की फसलों को कम से कम लगभग 40 से 50% का नुकसान पहुंचा है। ऐसे में रूपा जी आपको क्या लगता है इसका असर हल्दी की कीमतों पर वायदा में और हाजिर में दोनों में कैसा बनता नजर आ सकता है? देखिए जो क्रॉप डैमेज की खबरें निकल कर आ रही हैं, वो अगर क्रॉप डैमेज होती है और प्रोडक्शन इस बार इंपैक्ट होता है तो डेफिनेटली प्राइजेस ऊपर जा सकते हैं, और आगे चल के ये देखना होगा कि एक्सपोर्ट डिमांड्स कैसे निकलते हैं। अभी पीछे तो एक्सपोर्ट डिमांड सभी मसालों के गिरते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन वापिस एक उम्मीद जगी थी कि अब पॉजिटिवनेस आ सकती है। अगर सब कुछ ओके रहता है, कोई ओमिक्रॉन का इम्पैक्ट नहीं आता, तो डेफिनेटली प्राइजेस के अंदर एक बूस्टअप आ सकता है और प्राइजेस जो है वो अपसाइड में जा सकते हैं, और एक्सपोर्ट डिमांड्स भी पिकअप होते हुए नजर
लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि धनिया और हल्दी मसालों के अंदर ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जो पॉजिटिव रह सकती हैं, और हल्दी भी 9000 के ऊपर अप्रैल वायदा जाता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट 9000 से 9500 के स्तर अभी हाल फिलहाल में हो सकता है कि हमें देखने को मिले। तो हल्दी में एक तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है और इसी के साथ धनिया भी पॉजिटिव जा सकता है। जी यहीं से रूपा जी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हमने बीते सप्ताह ग्वार में अच्छे लेवल्स के बाद एक मुनाफा वसूली बनते देखी थी, फिर आज देख रहे कि हफ्ते के पहले कारोबार दिन एक बार फिर से ग्वार में तेजी बनती नजर आई है। ग्वार गम का दिसंबर वायदा 10,500 के लेवल पर है, 2.5% की तेजी, और ग्वार सीड का दिसंबर वायदा 5,900 के ऊपर है, उसमें भी तेजी देखने को मिल रही है। आपको क्या लगता है, क्या हफ्ते के पहले कारोबार दिन आज ग्वार गम और ग्वार सीड में ऊपरी सर्किट लगते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए तेजी तो बनती हुई दिखाई दे रही है और हफ्ते की शुरुआत भी अच्छी हुई है। 2% से ज्यादा बाजार ऊपरी स्तरों पर कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है, 2.5% की तेजी है। डेफिनेटली एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये तेजी आज इंट्राडे में बढ़ सकती है, और गम जो है जनवरी वायदा जो है वो 11,000 के ऊपर निकल सकता है, और वहीं अगर सीड की बात करें ग्वार सीड जो है वो 6,000 के ऊपर कारोबार करती हुई दिखाई दे सकती है दिसंबर वायदा में, और इनफैक्ट जनवरी वायदा तो 6,000 के बेहद करीब है, तो 6100 तक वो भी ऊपर जा सकता है। यानी कि एक्सपेक्टेड है 1.5 से 2% की तेजी अभी करंट लेवल से और बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी ये से रूपा जी बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में हमने काफी शानदार तेजी आते देखी है, तेजी के बाद ऊपरी स्तर से प्रॉफिट बुकिंग भी बनते देखी है, और बारी बारिश से फसलें भी खराब होती देखी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से हमने सोयाबीन में 6800 के बाद 6300 तक लेवल्स जाते हुए देखे हैं, फिर वहां से एक खरीदारी बनी जो कि हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन 6500 तक गई थी, और वही ट्रेडिंग हम देख रहे हैं आज भी कंटिन्यू है, 6500 के लेवल्स पर सोयाबीन आज ट्रेड करती नजर आ रही है दिसंबर वायदा। आपको क्या लगता है अब सोयाबीन में यहाँ से क्या लेवल्स रहेंगे, मंदी रहेगी, तेजी रहेगी, कैसा स्तर देखने को मिलेगा? देखिए सोयाबीन में रुझान तो पॉजिटिव ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार उम्मीद है कि जनवरी वायदा 7,000 तक तो टच हो सकता है, जिस हिसाब से इसमें रैली आई है, निचले स्तरों पर बाउंस बैक देखने को मिला है, और अभी देखो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा मार्केट नीचे जा सकता है, जनवरी वायदा 6400-6380 तक लुढ़क सकता है, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, एक्सपेक्टेड है कि 6800 से लेकर 7000 का स्तर जनवरी वायदा में देखने को मिल सकता है। रूपा जी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, आज आपकी तरफ से एग्री कमोडिटीज के टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा कमा के चला जा सकता है? देखिए मुझे लगता है कि बिनोला खल के अंदर आप बाइंग में रहिए, बिनोला खल में तेजी बन सकती है, और इसी के साथ ग्वार में एक अपसाइड मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये दो कमोडिटी ऐसी हो सकती है जिनमें आने वाले दिनों में तेजी देखने को मिल सकती है, और इसी के साथ सोयाबीन में भी पॉजिटिव जो है ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है, तो सोयाबीन में भी बाइंग करके चला जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। कुछ दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ जिनका सवाल बिनोला खल को लेकर आ रहा है, सवाल ले लेते हैं कुछ। लक्ष्मण गोरे जी हैं, बिनोला खल के बारे में जानना चाह रहे हैं। लक्ष्मण गोरे जी, बिनोला खल में तेजी का ही रुझान है, बिनोला खल के ऊपर हमने कई सारी वीडियोज भी बना के डाली हुई है, अभी हाल फिलहाल में भी हमने सैटरडे के दिन बिनोला खल की वीडियो डाली थी, आप वो भी जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है कि बिनोला खल में आगे क्या लेवल्स रहेंगे। धनिया के बारे में सवाल आया था किसी का, धनिया में क्या करना चाहिए, राजेश जी हैं जिनको धनिया के बारे में जानना चाह रहे हैं। राजेश जी, धनिया में तेजी का ही रुझान है, हमने धनिया की भी वीडियो बना के डाली हुई है, आप वो जाके देख सकते हैं, सैटरडे के दिन अपलोड की हुई है, पब्लिक हो रखी है, आप धनिया में वो वाली वीडियो जाके देख सकते हैं, उसमें हमने बताया हुआ है कि धनिया का आउटलुक कैसा है, फंडामेंटल्स कैसे हैं, पूरी डिटेल अच्छी जानकारी उसमें दी हुई है, तो कृपया आप वो वाली वीडियो जाके देख लें। सोयाबीन पे काफ़ी लोग के सवाल हैं कि सोयाबीन की मंदी तेजी बताएं। जी देखिए सोयाबीन अभी किसानों ने स्टॉक कर रखी है, सरकार के पास इतना स्टॉक नहीं है, और जो भी स्टॉक के किसानों के पास है जो कि अभी रोक रोक कर ही ला रहे हैं, अभी बीच में जब भाव ज़्यादा तेज हो गया था तो आवकें भी ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से जो भाव है वो थोड़ा कम भी हुआ था, लेकिन प्लांटर की तरफ से भी ऊँचे स्तरों पर जो खरीदारी है वो भी रही थी, लेकिन इतनी नहीं रही थी, इसलिए सोयाबीन में अभी हाल फिलहाल में नरमी वाला रुझान देखने को मिला था, और अभी ये जो गिरावट है हल्की फुल्की ये थोड़ी जारी रह सकती है, लेकिन जनवरी 2022 तक सोयाबीन की कीमतों में अच्छा उछाल देखने को मिल सकता है।
हमने सोयाबीन के लिए भी काफ़ी सारी वीडियोस बना के डाली हुई हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन हमने सोयाबीन की काफ़ी सारी वीडियोस डाली थी, तो आप प्लीज़ वो जाके देखिए। उसमें हमने बताया हुआ है कि सोयाबीन में आगे क्या करके चलना सही रहेगा, क्या रुझान देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आपका एंजॉय आएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।